नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सपा और बसपा का गठबंधन तय हो चुका है और इस गठबंधन के साथ एक बड़ी पार्टी सामने आ रही है जो इस गठबंधन में शामिल होना चाहती है और शामिल हो चुकी है। इस बड़ी पार्टी का नाम है RLD। जी हाँ, RLD पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो चुकी है। इसमें पश्चिमी यूपी की 22 सीटों पर तीनों दलों का बंटवारा सामने आ चुका है और 2014 के उपचुनाव में सपा बसपा के प्रदर्शन के आधार पर इन 22 सीटों का गणित बिठाया गया है और इन 22 सीटों में पहली सूची में बहुजन समाजवादी पार्टी को 11, समाजवादी पार्टी को 8 और RLD को 3 सीटें दी गई हैं। तो इन 22 सीटों में सपा और बसपा RLD किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आइए हम आप सभी को बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और RLD नेता जयंत चौधरी के बीच इस सीटों के समझौते के तहत पश्चिमी यूपी की 22 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें जिसको मिली है वो है बसपा। बसपा को 11 सीटों पर लड़ने की सीटें दी गई हैं। पश्चिमी यूपी की 11 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिली हैं और ये कहां से लड़ेंगे, तो ये लड़ेंगे गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। माना जा रहा है कि इन 11 सीटों पर बसपा प्रमुख मायावती बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगी और 2014 के लोकसभा चुनावों में इन 11 सीटों पर बसपा दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। अखिलेश यादव के हिसाब से 8 सीटें महागठबंधन के बाद पश्चिमी यूपी के 22 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। ये 8 सीटें कैराना, संभल, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, रामपुर और मैनपुरी से मिली हुई हैं। सपा की तरफ से अगले कुछ दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं महागठबंधन में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी RLD को 3 सीटें दी गई हैं। ये 3 सीटें मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर हैं। इनमें मथुरा पर खुद RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हाथरस की सीटों पर सपा उम्मीदवार को RLD टिकट पर कुछ दोस्तों RLD के 3 सीटें तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन एक सीट पर अभी भी दाव फंसा हुआ है। दरअसल यह RLD की सीट तरफ से महागठबंधन पहले 6 सीटों की मांग की गई थी। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती के RLD के लिए 3 सीटें ही निर्धारित की। वहीं बताया जा रहा है कि इन सीटों से अलग अलग अभी एक सीट पर पेंट फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो यह पहली सूची में हाथरस सीट का सपा उम्मीदवार को RLD के टिकट और चुनाव पर लड़ाया जा सकता है। इस फार्मूले से RLD के हिस्से में लोकसभा की 4 सीटें चली जाएंगी। हालांकि पुख्ता तौर पर इसे कोई जानकारी नहीं है। शनिवार को जब मायावती और अखिलेश यादव को लखनऊ में महागठबंधन के ऐलान किया था तो उस समय RLD को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसके बाद महागठबंधन में RLD के शामिल होने को लेकर कई तरह के यकास लगाए गए। अखिलेश यशवंत की मुलाकात के बाद बदले समीकरण और सियासी बयानों के बीच बुधवार को RLD नेता जयंत चौधरी ने लखनऊ जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने थे और RLD को महागठबंधन में शामिल किया गया। हालांकि यशवंत चौधरी से मुलाकात के बाद अखिलेश जी के साथ मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। मुझे लगता है कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे, जल्द ही मुलाकात के निर्णय के बारे में बताया जाएगा। सीटों को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। मसला सीटों का नहीं है बल्कि विश्वास और रिश्तों का है जो काफ़ी गहरा है। पश्चिमी यूपी की इन सीटों को लेकर फाइनल किया गया है। कांग्रेस को 2 सीटें वॉक ओवर। आपको बता दें, अखिलेश यादव, मायावती और चौधरी अजीत सिंह ने यूपी की 80 सीटों में 77 सीटों पर ही महागठबंधन का फैसला किया और 2 सीटों पर अमेठी और रायबरेली को बिना गठबंधन के ही कांग्रेस के लिए वॉकओवर के तौर पर छोड़ दी गई हैं, क्योंकि यहां से सभी जानते हैं कि कांग्रेस का ये गढ़ माना जा रहा है। जहां से अमेठी में राहुल और रायबरेली से सोनिया गांधी अभी तक चुनाव लड़ती आ रही हैं। मायावती के महागठबंधन के
लेकर वक्त और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियां एक जैसी हैं, इसलिए कांग्रेस को महागठबंधन शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, इस गठबंधन के बारे में आपका कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।